सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड के टनकपुर में किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कृषि बिल को भी लेकर हुई नारेबाजी। हम आपको बताते चलें कि बीते दिन 8 दिसंबर को किसानों के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में टनकपुर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में केंद्र सरकार का पुतला फूंका तथा केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। वही नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बताया कि बीते दिन 8 दिसंबर भारत बंद किसानों के आह्वान पर पूर्व विधायक श्री हेमेश खरकवाल जी ने नेतृत्व में नगर कांग्रेस कमेटी टनकपुर ने पीलीभीत चुंगी चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और बताया कि कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल का विरोध करा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल में सुधार करे ताकि किसानों को फायदा मिले और देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसे रोका जाए, किसानों के घर परिवार को खुशहाल कराया जाए जिससे देश की तरक्की हो और किसानों का योगदान हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के आह्वान पर आज टनकपुर में नगर कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल जी के नेतृत्व में पीलीभीत चुंगी में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल का विरोध किया है और कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि ये बिल इसमें सुधार होना चाहिए जिससे किसानों को फायदा मिले और जो किसान देश में आत्महत्या कर रहे हैं इन आत्महत्याओं को रोका जाए और किसानों के घर परिवारों को खुशहाल किया जाए जिससे देश की तरक्की में किसानों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।